my channel Auto Oil Guruji. Guys, thank you so much for subscribing my channel. और जिन लोगों ने अभी तक subscribe नहीं करा, guys, do subscribe to my channel. So आज एक और video है, एक और representation है, different type categories of speaker. आज किसी brand के बारे में. So आज dedicatedly categories के बारे में कि कौन-कौन से category के speakers आते हैं और क्या-क्या speaker आपको choose करने हैं, आज उस पे video है. So guys, understand this point, I get a lot of queries कि क्या मैं mid-range लगाऊं, क्या मैं three-way लगाऊं, क्या मैं two-way लगाऊं. Right now, first we'll go into focus कि अभी market में क्या चल रहा है. So guys, and you need to understand this, there is a lot of manipulation at the moment. There is no knowledge amongst the thing, but they are suggesting any speakers. So you need to understand what's your requirement, what are you looking for, and according to that you need to choose your speaker wisely. There are multiple categories, components, coaxials, three-way, and lastly mid-ranges. So ये चार पांच categories में बहुत confusion है. Confusion क्या है कि मेरे को क्या चाहिए और क्या मेरे को मिल रहा है. Because there are multiple customers who come to me, they have their query कि हमें three-way active चाहिए. They have never heard about the three-way physically, like गाड़ी में बैठ के कभी नहीं सुना, but they feel like that they want a three-way. So आज उन सब के doubt clear करने में आया हूँ, उन सब के question में answer देने आया हूँ कि क्या है, क्या नहीं. करते हैं first basic thing, that's a component speaker जहाँ हमें I'll unbox each and every box, but first of all I'll clear your doubts. कॉम्पोनेंट्स वो होते हैं जिसमें हमको मिड ड्राइवर्स 6.5 इंच स्पीकर्स और आपको एक ट्विटर सेपरेट मिलता है, वाइल एक कोएक्सियल में वही ट्विटर उसी स्पीकर में होता है. अब बहुत वीडियो है कॉम्पोनेंट एंड कोएक्सियल, दैट्स अ वेरी बोरिंग टॉपिक एंड दैट्स अ वेरी ओल्ड टॉपिक यू कैन से, बट अगर आपको डेडिकेटेडली वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा, कॉम्पोनेंट एंड कोएक्सियल पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी. आज कुछ अलग है, आज मेरे को आपको थ्री वे दिखाना है, व्हाट एग्जैक्टली अ थ्री वे इज. थ्री वे में थ्री डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं, मैं अनबॉक्स करूंगा आपको, मैं सारी एक एक चीज दिखाऊंगा एंड आई टेल यू द डिफरेंस. सो फर्स्ट बहुत क्वेरीज आते हैं कि मैं किसी डीलर पे चला गया, मेरी रिक्वायरमेंट थी एक नॉर्मल स्पीकर की, उन्होंने हमें मिड रेंजेस लगा दिए. सो उन क्वेश्चंस के मैं आज आंसर देने आया हूं. सो गाइस, बहुत मैनिपुलेशन ऐसे भी हो रहा है, यूट्यूबर्स हैं, कई डीलर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल है, वो थ्री वे एक्टिव हैदराबाद के, मैं आई वोंट गोइंग टू नेम देम, बट देयर आर मल्टीपल डीलर्स इन हैदराबाद, दे आर प्रमोटिंग थ्री वे लाइक एनीथिंग ऑफ मल्टीपल ब्रांड्स, नॉट ऑडिसन बट मल्टीपल अदर ब्रांड्स, जो ये दिखा रहे हैं कि आप थ्री वे लगाइए. एक यूजर की उतनी यूजेज नहीं है, बट दे आर पुशिंग द कस्टमर्स टू गो फॉर अ थ्री वे सेटअप, थ्री वे एक्टिव हाई एंड डीएसपी. इफ द कस्टमर इज नॉट लुकिंग फॉर इट, दे पुश इट फॉर दैट. उनकी रिक्वायरमेंट एक टू वे कॉम्पोनेंट से भी फुलफिल हो सकती है, बट अननेसेसरी दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स, दे आर सेलिंग थ्री वे. फर्स्ट, अगर आप एक बेनिफिट मेरे पास आने का ये है कि अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपको एक एक चीज का डेमो मिलेगा, क्योंकि मेरी हर गाड़ी में कोई ना कोई डिफरेंट सेटअप है, किसी में टू वे है, किसी में मिड रेंज का सेटअप है, किसी में थ्री वे है. मेरे जो हेड ऑफ द टेक्नीशियन है उसकी गाड़ी में हमने थ्री वे लगाया है, तो वंस यू आर कमिंग टू मी आई गिव यू अ डेमो ऑफ थ्री वे एज वेल कि क्या डिफरेंस है. पहले चलते हैं गाइस मिड रेंज की तरफ. सो व्हाट एग्जैक्टली आर मिड रेंजेस. गाइस, मैं इसकी स्पेसिफिकेशन भी साथ साथ लगा दूंगा, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है. सो इट्स अ 6.5 इंच ड्राइवर विच ओनली प्रोवाइड अ लाउडनेस. ये आपको क्लैरिटी भी देता है, बट उस एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा. बहुत लोगों ने वीडियोस डाली हुई कि मिड रेंज लगाइए आपको क्लैरिटी ऐसी मिलेगी, डेफिनेटली अच्छी मिलती है, बट टॉकिंग अबाउट कि हम उस लेवल जो अच्छे कॉम्पोनेंट्स में क्लैरिटी मिलती है, क्या हम उसमें अचीव कर पाते हैं, तो नहीं. This is a SPL category mid range. Guys, what is the SPL? Sound pressure level. So, हम जब भी SPL category बहुत loud setup में जाते हैं, जहां दो बूफर या चार बूफर हो रहे हैं and हमें vocals दब रही हैं, then it is required. It is basically a loud, good, decent two-way component, but yes, it's a loud speaker. कि हमें loudness के लिए चाहिए तो Def Bounce is one of the first, one of the best brand. Plus, ये category में आ जाता है हमारा, SPL category में आ जाता है, तो this is a driver used in a specifically SPL category. अब manipulation क्या हो रहा है, किसी dealer के पास components available नहीं है, they push it कि हम ये लगाएं साथ में bullet tweeters, साथ में दो woofers. So, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट उसको ये SPL लेवल SPL कैटेगरी के स्पीकर्स चिपक जाते हैं. सो उसी के लिए मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. अगर मैं आपको
डिटेल्ड वीडियो आपको, क्योंकि वी हैव अ 10 to 12 minutes, लाइक वी यूजली पोस्ट दिस मच टाइम वीडियो, सो उसमें अगर मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, यू कैन डेफिनेटली कॉल मी, यू कैन लेट मी नो योर टेस्ट एंड आई विल गोइंग टू टेल यू कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है. सो दिस इज अ मिड रेंज, आप अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हैं. एंड ये बेसिकली लाउडनेस और क्लैरिटी के लिए होती है कि वोकल्स जब दब रहे हैं तब हमें चाहिए. दिस इज अ 150 RMS. द फ्रीक्वेंसी रेंज इज अप्रोक्सीमेटली 100 Hz goes to 50,000 Hz. तो ये अगर 100 Hz की बात करें तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट बेस आउट ऑफ द स्पीकर. दिस इज अगेन फॉर वोकल्स एंड ट्रेबल. ट्रेबल भी नहीं बोलिए, वोकल्स के लिए जाना जाता है. बट आपके अगर इट्स फ्रीक्वेंसी हर्ट्स के लिए देख रहे हैं 100 Hz, दैट मींस आपको बेस नहीं आएगी. 80 Hz, 40 Hz, 32 Hz, 20 Hz, इस पे आपको बेस मिलती है. तो इसमें आप बेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यू विल ओनली कैन एक्सपेक्ट लाउडनेस इन दिस. सो अब मिड रेंज की एक्सप्लेनेशन काफी कुछ हो गई है. SPL की इसकी DB है आई थिंक 95.8. सो हु आर SPL लवर्स एंड हु आर SPL लिसनर्स, दे नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. बट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल यूजर, देन आई डोंट फील लाइक कि ये उनके लिए यूजर है, यूजफुल है. बहुत क्वेरीज आते हैं नॉर्मल यूजर जिन्होंने आज तक कॉम्पोनेंट अपग्रेड नहीं करा, जिन्होंने स्पीक क्या मैं मिड रेंज लगा दूं, तो आई थिंक उनके लिए सारे आंसर दे जाएगा ये वीडियो. अब बात करते हैं नॉर्मल टू वेज की. सो वी गेट द ब्लैम रिलैक्स. आज मैं थ्री वेज का दिखाऊंगा, टू वे आज मैं आपको स्टेक का ही दिखा दूंगा. वट इज अ टू वे, लेट मी क्विकली शो इट टू यू गाइस. सो दिस इज अ टू वे. सो आपको टू वे में क्या क्या मिलता है, यू गेट टू ड्राइवर्स. वन इज द मिड 6.5 मिड रेंज, द मिड बास, और अलॉन्ग विद दैट यू गेट अ ट्विटर. इसमें कई कई स्पीकर्स में कैपेसिटर्स आते हैं, कई में आपके क्रॉसओवर्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पोनेंट टू कॉम्पोनेंट. जैसे स्टेग में यू गेट द कैपेसिटर, वाइल इन द रिलैक्स सीरीज यू गेट द क्रॉसओवर लाइक दिस. लास्टली अब चलते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली अ थ्री वे कॉम्पोनेंट. बहुत क्वेरीज आती हैं कि थ्री वे सर, हमें थ्री वे एक्टिव लगाना है, थ्री वे लगाना है. गाइस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, देयर आर मल्टीपल कार्स जिसमें आज टॉप एंड वेरिएंट्स पे थ्री वे एक्टिव सेटअप आता है, उनके लिए ये रिकमेंडेबल है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आर यू अ थ्री वे लिसनर और नॉट, यू नीड टू फिगर दिस आउट, देन यू कैन ऑफर अ थ्री वे. बहुत मैन, अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, बहुत मैनिपुलेशन है कि थ्री वे. मेरे को क्वेरीज आ रही है थ्री वे लगाना है सर, बट मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, हैव यू हर्ड अ थ्री वे बिफोर फिजिकली, किसी की गाड़ी फ्रेंड या किसी का डेमो लिया है? दे से नो. सो विदाउट लिसनिंग टू अ थ्री वे यू कैन नॉट कंक्लूड कि आपको थ्री वे चाहिए. एक बार ही सुनिए, एक बार ही एनालाइज करिए क्या वेदर यू वॉन्ट अ थ्री वे सेटअप और नॉट. सो येस आई वॉज टॉकिंग अबाउट मल्टीपल कार्स, दिस हाई एंड कार्स है, जैसे हाई क्रॉस का टॉप एंड वेरियंट हो गया, स्कॉर्पियो एन का लग्जरी वेरियंट जो Z8 आता है. देर आर मल्टीपल कार्स जिनमें टॉप एंड वेरियंट में सोनी के, JBL के जो हैरियर में आ रहे हैं उनमें एक्टिव सेटअप आते हैं. देन यू नीड अ, डेफिनेटली यू नीड अ दिस थ्री वे. बट इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर, फर्स्ट लिसन टू अ टू वे कॉम्पोनेंट, देन स्विच इट टू अ थ्री वे. पहले ये सुनिए, पहले देखिए, एनालाइज करिए कि ये मैं टू वे यूजर हूं या थ्री वे यूजर है, देन टेक अ डिसीजन वाइजली. अब अनबॉक्स करते हैं क्विकली व्हाट इज अ थ्री वे. सो इन थ्री वे गाइस अगेन वी गेट अ मिड रेंज. दिस इज फाइव इंच ड्राइवर विच यू गेट इन नॉर्मल कॉम्पोनेंट अ टू वे स्पीकर. इफ यू कैन सी देर इज नो डिफरेंस. The speaker size, the magnets, the cone, yes, in terms of quality and output, there is a huge difference because price bhi 3.5x ka jump hoga. Agar ye approx 10,000 ka, toh 35-40,000 ka ye aapka aayega. I'm not talking about the MRP, I'm talking about the retail price. MRP iski 15,000 hai, while for Blam it's 55,000. So, almost 3.5x ka humara difference aa jata hai. Humare same ट्विटर्स आ जाएंगे जो हमारे टू वे में मिलते हैं. द ओनली डिफरेंस इज डेफिनेटली अ क्रॉसओवर डिफरेंस इज देयर एंड दिस इज अ 3.5 इंच डिजाइन मिड रेंज विच इज ओनली फॉर वोकल्स गाइस. अगेन ये वोकल्स, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, फुल रेंज एंड मिड रेंज. फुल रेंज में आपको बेस भी मिलती है, इसमें वोकल्स भी मिलती है, ट्रेबल भी मिलती है, बट दिस इज अ मिड रेंज. जो मिड फ्रीक्वेंसीज होती है यू गेट इट फ्रॉम दिस स्पीकर. सो यही एक डिफरेंस है एक टू वे और एक थ्री वे में. सो अब बात करते हैं आप क्या थ्री वे यूजर हैं टू वे यूजर हैं.
आप मेरे पास आते हैं, आई गिव डेफिनेटली गिव यू अ डेमो ऑफ थ्री वे, टू वे और अ मिड रेंज, बिकॉज मेरी एक गाड़ी में ये लगा है, एक गाड़ी में स्टैग लगा है, मेरी फिटर की गाड़ी में थ्री वे लगे हुए हैं, सो यू विल गेट डेमो ऑफ ऑल द सेगमेंट्स. बाकी अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है कि क्या लगाएं या क्या नहीं लगाएं, माय नंबर इज देयर. माय स्टोर इज इन रजौरी गार्डन, एग्जैक्टली इट्स इन मानसरोवर गार्डन, इट्स नेक्स्ट टू रजौरी गार्डन. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, यू कैन कम डाउन टू मी, यू कैन मीट मी, यू कैन सॉल्व योर क्वेरीज एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू. इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो वर्थ वाइल वीडियो थी, सो डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑटोमोबाइल गुरु साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर.